साथियों, डायरेक्टरेट ऑफ टेक्निकल एजुकेशन द्वारा संचालित तथा राजीव गांधी प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय द्वारा एफिलेटेड मॉडर्न ऑफिस मैनेजमेंट प्रोग्राम के कॉस्ट अकाउंटिंग कोर्स के वीडियो लेक्चर रिकॉर्डिंग में मैं डॉक्टर राहुल जौहरी, पॉलिटेक्निक भोपाल, आपका हार्दिक स्वागत करता हूँ। अब हम सबसे पहले ये समझेंगे कि कॉस्ट होती क्या है। कॉस्ट का मतलब किसी भी वस्तु के निर्माण या सेवा प्रदाय करने पर आने वाले समस्त व्ययों से है। मतलब अगर हम उस वस्तु के निर्माण या उस सेवा को देने पर आने वाले समस्त व्ययों को जोड़ दें तो वो उस वस्तु के निर्माण की या सेवा की लागत आएगी। इस कॉस्ट अकाउंटिंग कोर्स में के कंटेंट्स में पहली यूनिट में हम जो पढ़ेंगे वो इस प्रकार हैं। सबसे पहले कॉस्ट अकाउंटिंग का मीनिंग, ऑब्जेक्टिव्स एंड इम्पोर्टेंस, फिर डिफरेंस बिटवीन कॉस्ट अकाउंटिंग एंड फाइनेंशियल अकाउंटिंग, इसके बाद क्लासिफिकेशन ऑफ कॉस्ट एंड ओवरहेड्स। दूसरी यूनिट में हम पढ़ेंगे एलिमेंट्स ऑफ कॉस्ट। एलिमेंट्स ऑफ कॉस्ट में कॉस्ट शीट और स्टेटमेंट ऑफ कॉस्ट। इस कॉस्ट शीट और स्टेटमेंट ऑफ कॉस्ट में हम उस वस्तु के निर्माण या सेवा के ऊपर आने वाले समस्त व्ययों का विवरण बनाते हैं। इसके बाद है डिफरेंस बिटवीन कॉस्ट शीट एंड स्टेटमेंट ऑफ कॉस्ट, फिर यूनिट कॉस्टिंग, फिर डिटरमिनेशन ऑफ सेलिंग प्राइस। मतलब हम कॉस्ट अकाउंटिंग में भी सेलिंग प्राइस कैलकुलेट करते हैं। इसके बाद है टेंडर एंड कोटेशन। टेंडर का मतलब होता है कि जो भी हमारी कॉस्ट आई है, जो रियल कॉस्ट आई है, उसी को एस्टिमेट करना। मतलब फ्यूचर में कोई हमें प्रोडक्शन करना है या फ्यूचर में हमें कोई सेवाएं प्रदाय करना है तो उस पर कितनी लागत आएगी, ये एस्टिमेशन करना ही टेंडर और कोटेशन में आता है। तीसरी यूनिट है कॉन्ट्रैक्ट कॉस्टिंग। कॉन्ट्रैक्ट कॉस्टिंग मतलब जो ठेके पे कार्य किए जाते हैं उसकी कॉस्टिंग कॉन्ट्रैक्ट कॉस्टिंग में कैलकुलेट होती है। इसमें हम प्रिपरेशन ऑफ कॉन्ट्रैक्ट अकाउंट, वर्क इन प्रोग्रेस अकाउंट। वर्क इन प्रोग्रेस का मतलब जो कार्य शुरू हो गया है लेकिन अभी पूरा नहीं हुआ। इसके बाद है बैलेंस शीट, फिर है प्रॉफिट ऑन इनकम्प्लीट कॉन्ट्रैक्ट। कॉन्ट्रैक्ट एक्चुअली में जो बड़े बड़े प्रोडक्शन जो निर्माण किए जाते हैं वो कॉन्ट्रैक्ट कॉस्टिंग में आते हैं, जैसे बिल्डिंग का बनाना या रोड का बनाना। अब ये तो पॉसिबल नहीं होता है कि वो बिल्डिंग या रोड एक साल में पूरी हो जाए, सामान्यतः वो 2-4-5 वर्षों में पूरी होती है। तो जिस वित्तीय वर्ष में हम ये अकाउंट बना रहे हैं उस वित्तीय वर्ष में कोई जरूरी नहीं कि वो कॉन्ट्रैक्ट पूरा हो जाए, वो अधूरा भी रह सकता है, तो उसको हम इनकम्प्लीट कॉन्ट्रैक्ट बोलते हैं। लेकिन उसके ऊपर भी हम प्रॉफिट निकालते हैं, उसके अलग अलग नियम है कि कब हम प्रॉफिट निकालेंगे और कब प्रॉफिट नहीं निकालेंगे, लेकिन हम इनकम्प्लीट कॉन्ट्रैक्ट में भी प्रॉफिट निकालते हैं। इसके बाद है कॉस्ट प्लस कॉन्ट्रैक्ट। फोर्थ यूनिट है प्रोसेस कॉस्ट अकाउंटिंग। प्रोसेस में हम कुछ कुछ उत्पादन ऐसे होते हैं जो विभिन्न प्रक्रियाओं को करने के बाद कंप्लीट होते हैं। मतलब हमने एक एक प्रोडक्शन किया, वो प्रोडक्शन अगले प्रोडक्शन की रॉ मटेरियल बन गया, फिर उसका जो प्रोडक्शन निकला वो तीसरी प्रोडक्शन अकाउंट के लिए रॉ मटेरियल बन गया। तो ये प्रोसेस अकाउंट में हम उत्पादन एक चेन में करते हैं, उसको प्रोसेस कॉस्टिंग में हम मेंटेन करते हैं। तो उसमें है प्रिपरेशन ऑफ प्रोसेस कॉस्ट अकाउंट्स, नॉर्मल वेस्टेज। नॉर्मल वेस्टेज मतलब जब हम प्रोडक्शन करते हैं तो कुछ ना कुछ वेस्टेज होता ही है, सामान्य है, इसलिए वो नॉर्मल वेस्टेज में आता है। एबनॉर्मल वेस्टेज मतलब जब हमने जो सामान्य वेस्टेज निर्धारित किया हुआ है अगर उससे भी ज्यादा वेस्टेज हो रहा है, उससे भी ज्यादा क्षय हो रहा है, तो वो एबनॉर्मल वेस्टेज में आता है।
इसी में इफेक्टिवनेस है। इफेक्टिवनेस का मतलब ये हो गया कि जितना हमने वेस्टेज निर्धारित किया था उससे कम वेस्टेज होना, मतलब जो वेस्टेज है उसमें बचत हो जाना, वो इफेक्टिवनेस है। फिर है ज्वाइंट कॉस्ट एंड बाय प्रोडक्ट। ज्वाइंट कॉस्ट का मतलब ये हो गया कि अगर हम एक प्रोडक्शन कर रहे हैं और उसका जो वेस्टेज निकला उससे भी कोई प्रोडक्शन हो गया, तो जो शुरू में हमने दोनों प्रोडक्शन में मिला के खर्च किया था वो ज्वाइंट प्रोडक्ट हुआ, और वो जो उसका वेस्टेज निकला वो बाय प्रोडक्ट हो गया। इसके बाद फिफ्थ यूनिट में है रिकंसिलिएशन ऑफ कॉस्ट एंड फाइनेंशियल अकाउंट्स। मतलब हम प्रॉफिट कॉस्ट अकाउंट के तहत भी निकालते हैं और हम प्रॉफिट फाइनेंशियल अकाउंट के तहत भी निकालते हैं, लेकिन दोनों के प्रॉफिट में अंतर होता है। क्यों अंतर होता है? उस अंतर के डिफरेंट रीजन होते हैं। कभी कभी हम कॉस्ट अकाउंट्स में कुछ एक्सपेंसेस एस्टिमेटेड रिकॉर्ड करते हैं। जैसे एग्जाम्पल बताऊं मैं आपको, जैसे वर्क्स ओवरहेड है, तो जनरली वर्क्स ओवरहेड जो होते हैं वो वेजेस पे डिपेंड करते हैं, वेजेस का सम परसेंटेज। तो अगर वेस्टेज, सॉरी वेस्टेज नहीं, अगर वेजेस जितनी कैलकुलेट हुई है उसका हमने जो परसेंटेज कैलकुलेट किया वो वर्क्स ओवरहेड हो गए, लेकिन फाइनेंशियल अकाउंट में जो वर्क्स ओवरहेड होंगे वो एक्चुअल फिगर होगी। तो वित्तीय लेखों में हम एक्चुअल फिगर रिकॉर्ड करते हैं और कॉस्ट अकाउंट में कुछ कुछ वैल्यूज जो होती हैं वो एस्टिमेटेड होती हैं, वो रियल नहीं होती हैं, जिनकी वजह से दोनों के प्रॉफिट में डिफरेंस आ जाता है। एक और डिफरेंस के रीजन हो सकता है कि कुछ कुछ आइटम कॉस्ट अकाउंट में रिकॉर्ड नहीं होते हैं जबकि वो फाइनेंशियल अकाउंट में रिकॉर्ड होते हैं। जैसे इंटरेस्ट ऑन इन्वेस्टमेंट, इसका कॉस्टिंग से कोई लेना देना नहीं है, कोई सरोकार नहीं है। ऐसे ही इंटरेस्ट ऑन लोन, ये भी कॉस्ट अकाउंट में रिकॉर्ड नहीं होते। तो ये कुछ रीजन है जिनकी वजह से कॉस्ट अकाउंट और फाइनेंशियल अकाउंट के प्रॉफिट में डिफरेंस आता है। तो ये जो फिफ्थ यूनिट है इसमें हम इस सब का स्टडी करेंगे। तो इसमें पहले हम पढ़ेंगे मीनिंग एंड नीड, रिकंसिलिएशन की क्या जरूरत है। फिर है रीजन ऑफ डिफरेंस। फिर है प्रिपरेशन ऑफ रिकंसिलिएशन स्टेटमेंट। रिकंसिलिएशन हम अपने सेटिस्फेक्शन के लिए करते हैं, ये कोई डिफरेंस जो हुआ वो कोई मिस्टेक नहीं हुई जिसको हम करेक्शन करेंगे। ये डिफरेंस हो गया कि भाई कुछ जगह हम कुछ रिकॉर्ड करते हैं, कुछ जगह कुछ रिकॉर्ड नहीं करते हैं, इस वजह से आ गया। तो कोई मिस्टेक या कोई चीटिंग नहीं हुई है जो हम उसका करेक्शन करने जाएं, इसलिए हम क्या करते हैं, केवल सिंपली एक रिकंसिलिएशन स्टेटमेंट बनाते हैं जिससे हम ये सेटिस्फाइड हो जाते हैं कि तो भाई सब ठीक है। इसके बाद प्रॉब्लम एंड सॉल्यूशन, मतलब हम न्यूमेरिकल प्रॉब्लम इसमें सॉल्व करेंगे। अब हम आते हैं कोर्स आउटकम्स। कोर्स आउटकम्स मतलब इस मॉडर्न ऑफिस मैनेजमेंट डिप्लोमा को उत्तीर्ण करने के बाद, पास करने के बाद हमारा विद्यार्थी क्या क्या कर सकेगा, क्या क्या करने के लिए सक्षम हो जाएगा, ये हम यहाँ पर, ये हमारे यहाँ विश्वविद्यालय द्वारा निर्धारित किया गया है कि ये कोर्स करने के बाद विद्यार्थी क्या क्या करने के लिए सक्षम हो जाएगा। जिसमें सबसे पहले है लागत लेखांकन से वस्तुओं और सेवाओं की प्रति इकाई लागत एवं कुल लागत निर्धारित कर सकेगा, लागत पत्रों के माध्यम से उत्पादन की लागत की जानकारी प्रस्तुत कर सकता है, उत्पादन लागत पर नियंत्रण कर सकेगा, विभिन्न कार्यों के लिए दिए जाने वाले ठेकों का अनुमानित लागत लेखांकन कर सकेगा, प्रक्रिया लेखांकन कर सकेगा, वित्तीय लेखों एवं लागत लेखों का मिलान कर सकेगा। अब हम कंसेप्ट और मीनिंग, डेफिनेशन ऑफ कॉस्ट अकाउंटिंग समझते हैं। कॉस्ट अकाउंटिंग का मतलब है लागत लेखा का आशय उत्पादित वस्तु या सेवाओं की लागत निश्चित करने और प्रशासकों के मार्गदर्शन एवं उनके प्रबंध कार्य की सुविधा की दृष्टि से समुचित और व्यवस्थित आंकड़े प्रस्तुत करने हेतु व्ययों का वर्गीकरण, लेखा और उपयुक्त बंटवारा करने से है। यह प्रत्येक आदेश, कार्य प्रसंविदा, विधि, सेवा या इकाई की लागत निश्चित करती है।
यह उत्पादन बिक्री एवं वितरण की लागतें बताती है। इसके बाद अब हम पढ़ते हैं इंपॉर्टेंस एंड एडवांटेजेस ऑफ कॉस्ट अकाउंटिंग। कॉस्ट अकाउंटिंग का क्या क्या महत्व है, इसमें सबसे पहले है प्रबंधक तथा उत्पादक को लाभ। कॉस्ट अकाउंटिंग से प्रबंधक और उत्पादक को क्या क्या लाभ होंगे? वस्तु की उत्पादन लागत, कुल लागत तथा प्रति इकाई लागत का और उसमें सम्मिलित विभिन्न व्ययों का ज्ञान होता है। सामग्री, श्रम या संयंत्र का सर्वोत्तम प्रयोग निश्चित करता है। विक्रय मूल्य तथा निविदा मूल्य के निर्धारण में सहायता होती है। लाभप्रद तथा अलाभप्रद कार्यों की स्पष्ट जानकारी मिलती है। उत्पादन लागत का विश्लेषणात्मक एवं तुलनात्मक अध्ययन होता है। लाभ हानि विवरण तैयार होता है और भावी नीति के निर्धारण में सहायक होता है। दूसरा है कर्मचारियों को लाभ। लागत लेखांकन केवल प्रबंधकों तथा उत्पादकों के लिए ही नहीं बल्कि कर्मचारियों के लिए भी उपयोगी है। लागत लेखांकन से कर्मचारियों के मध्य कार्य का विभाजन वैज्ञानिक आधार पर किया जाता है। श्रमिकों तथा कर्मचारियों के लिए प्रमाप निर्धारित कर दिए जाते हैं। कार्यहीन समय तथा व्यर्थ समय का विस्तृत ब्यौरा रखने से समय के अपव्यय को नियंत्रित किया जा सकता है। लागत लेखांकन से जहां एक ओर व्यवसाय का विकास होता है वहीं श्रमिकों को सेवा की सुरक्षा तथा पर्याप्त पारिवारिक सुविधाओं का लाभ प्राप्त होता है। तीसरा है ऋणदाताओं तथा विनियोगताओं को लाभ। एडवांटेजेस टू क्रेडिटर्स एंड इन्वेस्टर्स। ऋणदाताओं तथा विनियोगताओं की दृष्टि से भी लागत लेखांकन आवश्यक है। सामान्यतः लागत लेखांकन द्वारा ऋणदाताओं तथा विनियोगताओं को निम्नलिखित लाभ हो सकते हैं, जैसे लागत लेखांकन द्वारा संस्था की लाभदायकता की जानकारी प्राप्त होती है, विनियोगों के मूल्यों में निरंतर वृद्धि होती है, विनियोगों की राशि की सुरक्षा के प्रति कोई खतरा नहीं होता है, विनियोगों को बेचने की सुविधा मिलती है, विकास की संभावनाओं का पूर्वानुमान हो जाता है। इसके बाद है उपभोक्ताओं को लाभ। एडवांटेजेस टू कंज्यूमर। कंज्यूमर को न्यूनतम मूल्यों पर सर्वोत्तम वस्तुओं की प्राप्ति हो सकती है। औद्योगिक स्थिरता आती है। उत्पादन के साधनों का सर्वोत्तम लाभदायक प्रयोग हो सकता है। न्यूनतम विक्रय मूल्य का निर्धारण संभव हो सकता है। उत्पादन लागत पर नियंत्रण हो सकता है। फिर है राष्ट्र तथा सरकार को लाभ। लागत लेखांकन के प्रयोग से प्राप्त होने वाली विस्तृत एवं विश्लेषणात्मक सूचनाएं विभिन्न उद्योग के संबंध में वास्तविक स्थिति का ज्ञान कराती हैं। प्रत्येक सरकार अपने देश की आर्थिक प्रगति के लिए योजनाएं बनाती है। योजनाओं को बनाने के लिए लागत व्यय के आंकड़े एकत्रित किए जाते हैं। इन आंकड़ों के आधार पर ही सरकार ये निश्चित कर पाती है कि किन किन उद्योगों को बढ़ावा दिया जाए तथा आर्थिक सहायता दी जाए। इसके बाद है ऑब्जेक्ट्स ऑफ कॉस्ट अकाउंटिंग। कॉस्ट अकाउंटिंग के माध्यम से हम लागतें निर्धारित कर सकते हैं। इससे हम विक्रय मूल्य
या निविदा मूल्य निर्धारित करते हैं। इससे नीति निर्धारण एवं निर्णय हेतु आधार मिलता है। कॉस्ट अकाउंटिंग से लागत निर्धारण एवं लागत में कमी आती है और कॉस्ट अकाउंटिंग हमारी वैधानिक आवश्यकताओं की पूर्ति करता है। अब हम समझते हैं डिफरेंस बिटवीन कॉस्ट अकाउंटिंग एंड फाइनेंशियल अकाउंटिंग। इससे पहले हमने पढ़ा था कि कॉस्ट अकाउंटिंग के प्रॉफिट और प्रॉफिट अकाउंटिंग और फाइनेंशियल अकाउंटिंग के प्रॉफिट में डिफरेंस आता है। वो इसीलिए डिफरेंस आता है कि दोनों को मेंटेन करने के अपने अपने अलग अलग उद्देश्य होते हैं। तो कॉस्ट अकाउंटिंग और फाइनेंशियल अकाउंटिंग में क्या डिफरेंस है, ये अब हम समझेंगे। इनमें अंतर का पहला आधार है उद्देश्य। वित्तीय लेखांकन का उद्देश्य वित्तीय प्रदर्शन तथा वित्तीय स्थिति को प्रस्तुत करने है, जबकि कॉस्ट अकाउंट्स का उद्देश्य व्यवसाय में निर्णय लेने के लिए लागत एवं लागत नियंत्रण की सूचनाएं उपलब्ध करवाना है। दूसरा आधार है प्रकृति, नेचर। यह ट्रांजैक्शन को वित्तीय या मनी के टर्म में वर्गीकृत करता है, रिकॉर्ड करता है, प्रस्तुत करता है तथा इसकी व्याख्या करता है। जबकि कॉस्ट अकाउंट में यह सामग्री, श्रम एवं उपरव्ययों को सिग्निफिकेंट मैनर में वर्गीकृत करता है, व्याख्या करता है तथा प्रस्तुत करता है। तीसरा अंतर का आधार है रिकॉर्डिंग ऑफ डेटा। फाइनेंशियल अकाउंटिंग में यह हिस्टोरिकल यानी ऐतिहासिक डाटा रिकॉर्ड करता है, जबकि कॉस्ट अकाउंटिंग में यह अनुमानित बजटेड डाटा को रिकॉर्ड करता है तथा प्रस्तुत करता है। यह हिस्टोरिकल एवं पूर्व निर्धारित लागत दोनों को उपयोग करता है। चौथा अंतर का आधार है जानकारी के उपयोगकर्ता। फाइनेंशियल अकाउंटिंग के उपयोगकर्ता, फाइनेंशियल अकाउंटिंग के उपयोगकर्ताओं में शेयर होल्डर हैं, क्रेडिटर्स हैं, फाइनेंशियल एनालिस्ट हैं, गवर्नमेंट और गवर्नमेंट की विभिन्न एजेंसियां हैं जो वित्तीय लेखों का उपयोग करती हैं। जबकि कॉस्ट अकाउंटिंग का यूज या कॉस्ट अकाउंट की जानकारी का उपयोग इसके आंतरिक प्रबंधन द्वारा विभिन्न स्तरों पर किया जाता है। पांचवा अंतर का आधार है लागत और लाभ का विश्लेषण। वित्तीय लेखांकन संगठन का लाभ हानि प्रदर्शित करता है, जबकि कॉस्ट अकाउंटिंग ये प्रत्येक उत्पाद, जॉब, प्रोसेस की लागत एवं लाभ का विस्तृत विवरण उपलब्ध करवाता है। छठवां अंतर का आधार है टाइम पीरियड। फाइनेंशियल अकाउंटिंग ये एक निश्चित अवधि के लिए बनाए जाते हैं जो सामान्यतः वार्षिक आधार पर होते हैं। कॉस्ट अकाउंटिंग में ये आवश्यकता अनुसार जब जरूरत हो तब बनाए जाते हैं। सातवां अंतर का आधार है सूचनाओं का प्रस्तुतीकरण। वित्तीय लेखों में वित्तीय सूचनाओं को प्रस्तुत करने के लिए एक निर्धारित निश्चित प्रारूप का उपयोग किया जाता है, जबकि कॉस्ट अकाउंटिंग में यह लागत सूचनाओं को प्रस्तुत करने का कोई निर्धारित प्रारूप नहीं है। इसके बाद है डिफरेंट मेथड्स ऑफ कॉस्ट अकाउंटिंग। कॉस्ट अकाउंटिंग करने के कौन कौन से मेथड हैं? इन मेथड्स को हमने दो भागों में विभाजित किया है। पहला है
स्पेसिफिक ऑर्डर कॉस्टिंग मेथड मतलब विशिष्ट आदेश लागत पद्धति, और दूसरा है कंटिन्यूअस ऑपरेशन कॉस्टिंग मेथड मतलब सतत प्रक्रिया लागत विधि। पहले स्पेसिफिक ऑर्डर कॉस्टिंग मेथड में जो मेथड हैं उनमें पहला है जॉब कॉस्टिंग मेथड, दूसरा है कॉन्ट्रैक्ट कॉस्टिंग मेथड, तीसरा है बैच कॉस्टिंग मेथड और चौथा है टारगेट कॉस्टिंग मेथड। ये चार मेथड स्पेसिफिक ऑर्डर कॉस्टिंग मेथड के। फिर दूसरा है सतत प्रक्रिया लागत विधि कंटिन्यूअस ऑपरेशन कॉस्टिंग मेथड। इसमें पहला इसमें है इकाई अथवा उत्पादन लागत विधि यूनिट और आउटपुट कॉस्टिंग मेथड, दूसरा है प्रक्रिया लागत विधि प्रोसेस कॉस्टिंग मेथड, तीसरा है परिचालन लागत विधि ऑपरेटिंग कॉस्टिंग मेथड, फिर है बहुसंख्यक लागत विधि मल्टीपल और कंपोजिट कॉस्टिंग मेथड, और पांचवा है विभागीय लागत विधि डिपार्टमेंटल कॉस्टिंग मेथड। तो ये डिफरेंट मेथड ऑफ कॉस्ट अकाउंटिंग है। अब ये जो डिफरेंट कॉस्टिंग मेथड हमने पढ़े हैं इनका कहां कहां यूज होता है ये इसमें चार्ट में बताया गया है। जैसे इकाई लागत विधि है, ये इकाई लागत विधि मोस्टली कपड़े की मिलें, कागज चपड़े तथा सीमेंट के कारखाने में उपयोग किया जाता है। इसके बाद है ठेका या उपकार्य लागत विधि, ये ठेके पे जो काम होते हैं जैसे भवन निर्माण, बांध, पुल तथा सड़क निर्माण, उपकार में प्रिंटिंग प्रेस, गैरेज, फिल्म स्टूडियो तथा टाइपिंग, इनमें ये ठेका या उपकार लागत विधि का उपयोग किया जाता है। इसके बाद प्रक्रिया लागत विधि, सामान्यतः शकर उद्योग में, साबुन उद्योग में, तेल बनाने में, वार्निश, रंग, बिस्कुट तथा रासायनिक उद्योगों में प्रक्रिया लागत विधि का उपयोग किया जाता है। परिचालन लागत विधि, परिचालन लागत विधि सामान्यतः जहां सेवाएं होती हैं वहां पर उपयोग की जाती है, जैसे बिजली, गैस, यातायात, यातायात सेवा प्रदाय कंपनी है, यहां पर परिचालन लागत विधि अपनाई जाती है। इसके बाद है बहुसंख्यक लागत विधि, ये साइकिल, मोटर गाड़ी, सिलाई मशीन, घड़ी तथा टाइपराइटर उद्योग में उपयोग में लाई जाती है। फिर है समूह लागत विधि, समूह लागत विधि सामान्यतया दवाइयां, पेटेंट, बिस्किट तथा खाद्य वस्तुएं बनाने वाले उद्योग में उपयोग में लाई जाती है। क्लासिफिकेशन ऑफ कॉस्ट, लागतों का वर्गीकरण, लागतों का वर्गीकरण हम विभिन्न आधारों पर करते हैं। जैसा पहला आधार है तत्वों तथा प्रकृति के आधार पर, ऑन द बेसिस ऑफ एलिमेंट्स ऑफ नेचर। इस आधार पर हम लागत को तीन भागों में बांटते हैं। पहला है सामग्री लागत, दूसरा है श्रम लागत और तीसरा है व्यय लागत। दूसरा आधार है लागत इकाइयों से पहचान के आधार, ऑन द बेसिस ऑफ आइडेंटिफिकेशन विद कॉस्ट यूनिट। इसमें हम प्रत्यक्ष एवं अप्रत्यक्ष दो भागों में बांटते हैं। तीसरा आधार है कार्य के आधार पर, ऑन द बेसिस ऑफ फंक्शंस। इसमें क्लासिफिकेशन करते हैं प्रोडक्शन कॉस्ट, एडमिनिस्ट्रेटिव कॉस्ट और सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन कॉस्ट। फिर आधार है व्यवहार अथवा परिवर्तनशीलता के आधार पर, ऑन द बेसिस ऑफ
बिहेवियर और वेरिएबिलिटी, इस आधार पर हम इसका वर्गीकरण स्थायी लागत, परिवर्तनशील लागत और अर्ध परिवर्तनशील लागत में करते हैं। पांचवा आधार है वस्तु के साथ संबंध के आधार पर, ऑन द बेसिस ऑफ एसोसिएशन विद द प्रोडक्ट। इसमें वर्गीकरण हम जो करते हैं उसमें पहला है प्रोडक्ट कॉस्ट और दूसरा है पीरियड कॉस्ट। छठवां आधार है सामान्यतया के आधार पर, ऑन द बेसिस ऑफ नॉर्मलिटी। इसमें है सामान्य लागत और असामान्य लागत। सातवां आधार है नियंत्रणीयता के आधार पर, ऑन द बेसिस ऑफ कंट्रोलेबिलिटी। कंट्रोलेबिलिटी में पहला है नियंत्रणीय लागत और अनियंत्रणीय लागत। आठवां आधार है परिहार्यता के आधार पर, ऑन द बेसिस ऑफ अवॉइडेबिलिटी। इसमें पहला वर्गीकरण है परिहार लागतें और दूसरा है अपरिहार लागतें। नवा आधार है ऑन द बेसिस ऑफ टाइम, समय के आधार पर। इसमें पहला है हिस्टोरिकल कॉस्ट और दूसरा है प्री डिटरमाइंड कॉस्ट। और आखिरी आधार है दसवां, अदर कॉस्ट, अन्य लागतें, जिनमें हम रूपांतरण लागतें लेते हैं, प्रतिस्थापन लागतें लेते हैं, जेब से बाहर की नगद लागतें लेते हैं, आरोपित तथा परिकल्पित लागतें हैं, अवसर अथवा वैकल्पिक लागतें, डूबत लागतें, संगत लागतें, सीमांत लागत, अंतरीय लागत एंड कामबंदी लागतें। ये डिफरेंट वर्गीकरण है लागतों। इसके बाद है एलिमेंट्स ऑफ कॉस्ट, लागत के तत्व। लागत के जो मूल तत्व हैं वो तीन होते हैं। पहला है मटेरियल मतलब सामग्री, दूसरा है लेबर मतलब श्रम, तीसरा है एक्सपेंसेस मतलब व्यय। अब ये जो व्यय हैं, ये व्यय भी दो तरीके के होते हैं, एक प्रत्यक्ष मतलब डायरेक्ट एक्सपेंसेस, दूसरे अप्रत्यक्ष मतलब इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस। ये जो इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस हैं, इनको हम ओवरहेड्स भी बोलते हैं और उपरव्यय भी बोलते हैं। अब ये जो तीनों जो मूल हमारे एलिमेंट्स हुए, मटेरियल लेबर एक्सपेंसेस, हम जैसे हमने एक्सपेंसेस को डिवाइड किया डायरेक्ट इनडायरेक्ट प्रत्यक्ष अप्रत्यक्ष, ऐसे सामग्री भी दो हो सकती हैं और श्रम भी दो हो सकते हैं। तो ये डिटेल स्टडी जब हम इस चैप्टर में पढ़ेंगे, जब इस चैप्टर को और डिस्कस करेंगे आगे, उसमें बताएंगे। मतलब मटेरियल भी डायरेक्ट इनडायरेक्ट हो सकते हैं, श्रम भी डायरेक्ट इनडायरेक्ट हो सकते हैं, लेकिन एक्सपेंसेस हमेशा डायरेक्ट इनडायरेक्ट होते ही हैं। इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस को हम ओवरहेड्स बोलते हैं। अब ये जो ओवरहेड्स हैं, इन ओवरहेड्स को भी हम तीन भागों में वर्गीकृत करते हैं। पहले ओवरहेड्स होते हैं फैक्ट्री ओवरहेड्स या वर्क्स ओवरहेड, हिंदी में बोलते हैं कारखाना ओवरहेड। दूसरे होते हैं ऑफिस एंड एडमिनिस्ट्रेशन ओवरहेड्स, कार्यालय एवं प्रशासन उपरिव्यय। तीसरे हैं सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन ओवरहेड्स, विक्रय एवं वितरण उपरिव्यय। मतलब जितने भी हमारे इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस हैं वो या तो हमारी फैक्ट्री से संबंधित होंगे या हमारे ऑफिस से संबंधित होंगे, एडमिनिस्ट्रेशन से संबंधित होंगे, या हमारे सेलिंग या मार्केटिंग से संबंधित होंगे। तो इन्हीं तीनों में कहीं ना कहीं वो आएंगे। अब हम पढ़ते हैं क्लासिफिकेशन, जो मैंने अभी आपको थोड़ा बताया उसका डिटेल। फंक्शनल क्लासिफिकेशन, कार्य अनुसार वर्गीकरण। कार्य अनुसार ओवरहेड्स का वर्गीकरण हम करते हैं
कारखाना उपरिव्यय, दूसरा कार्यालय एवं प्रशासन उपरिव्यय और तीसरा है बिक्री एवं वितरण उपरिव्यय। दूसरा क्लासिफिकेशन हम करते हैं लागत के तत्वों के आधार पर। लागत के तत्वों मतलब क्लासिफिकेशन ऑन द बेसिस ऑफ एलिमेंट्स ऑफ कॉस्ट। इसमें इनडायरेक्ट मटेरियल, इनडायरेक्ट लेबर, इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस, अप्रत्यक्ष सामग्री, अप्रत्यक्ष श्रम और अप्रत्यक्ष व्यय। इसके बाद हम इसका क्लासिफिकेशन करते हैं वेरिएबिलिटी के आधार पर, परिवर्तनशीलता के आधार पर वर्गीकरण। इसमें स्थिर उपरिव्यय मतलब फिक्स्ड ओवरहेड, परिवर्तनशील उपरिव्यय मतलब वेरिएबल ओवरहेड्स और तीसरा है अर्ध परिवर्तनशील उपरिव्यय मतलब सेमी वेरिएबल ओवरहेड। सेमी वेरिएबल का मतलब होता है कि उसका कुछ पार्ट फिक्स्ड होता है और कुछ पार्ट वेरिएबल होता है। फिक्स का मतलब जो एक्सपेंसेस टाइम के रेशियो में बढ़े घटे वो फिक्स्ड ओवरहेड होते हैं और जो ओवरहेड्स यूनिट के रेशियो में वो बढ़े घटे वो वेरिएबल ओवरहेड होते हैं। तो सेमी वेरिएबल में मिक्स होता है कि कुछ तो वो फिक्स रहता है कुछ पार्ट और कुछ पार्ट उसका वेरिएबल होता है। इसके बाद क्लासिफिकेशन है सामान्यता के आधार पर मतलब नॉर्मलिटी के आधार पर। इसमें पहला है सामान्य उपरिव्यय मतलब नॉर्मल ओवरहेड्स और दूसरा है असामान्य उपरिव्यय मतलब एबनॉर्मल ओवरहेड्स। फिर है क्लासिफिकेशन ऑन द बेसिस ऑफ कंट्रोलेबिलिटी, नियंत्रण के आधार पर। इसमें पहला है नियंत्रण योग्य उपरिव्यय कंट्रोलेबल ओवरहेड्स और दूसरा है अनियंत्रण योग्य उपरिव्यय अनकंट्रोलेबल ओवरहेड्स। ये ओवरहेड्स के विभिन्न क्लासिफिकेशन है। कुल मिला के हमारे कॉस्ट में मैंने जैसे पहले आपको बताया था कि कॉस्ट का मतलब है उस उत्पादन के या सेवाओं के देने पर हमारे टोटल एक्सपेंसेस कितने हो रहे हैं। अब टोटल एक्सपेंसेस में अभी हमने पढ़ लिया कि जो भी एक्सपेंसेस होते हैं उनको हम तीन पार्ट में डिवाइड करते हैं। पहला होता है मटेरियल, दूसरा होता है मटेरियल मतलब सामग्री, दूसरा होता है लेबर, लेबर मतलब श्रम या मजदूरी और तीसरा होता है ओवरहेड्स मतलब अप्रत्यक्ष व्यय। जब हम इन सब को जोड़ देते हैं वो लागतें होती हैं। आज हमने ये सब जाना, इसका हमने चर्चा करी। आप लोगों को बहुत बहुत धन्यवाद, आपने इसको गौर से सुना। थैंक यू।